जय बिल प्रदेश आज तीसरा आदिवासी सांस्कृतिक एकता सम्मेलन आदिवासी एकता परिषद द्वारा छोटा उदयपुर स्थान हमीरपुरा रेंडवा में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर के आदिवासी लाखों की संख्या में ये जो पांडाल में दिख रहे इतने ही नहीं, आप इनको थोड़ा सा कैमरा बता सकते हैं लोगों को, ये जो पांडाल में दिख रहे इतने ही नहीं, इससे कई गुना बाहर इस पंडाल में नहीं समा पा रहे हैं, तो आवाज सुन रहे हैं। तो इस एकता सम्मेलन से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि ये तीसरा सांस्कृतिक सम्मेलन है, यहाँ अपनी संस्कृति को दर्शाया जा रहा है, लेकिन यहाँ किसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आज तक कोई आदिवासी अमलीकरण में नहीं ला रहा है। सबसे बड़ी दो समस्या है, दूसरी तो होगी लेकिन दो बड़ी समस्या है, समस्याओं को अगर एकता परिषद या सारे आदिवासी मिलकर सुलटा लेते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासी किसी एक स्थान पे भी दो बड़ी समस्या मैंने हर एकता परिषद के कार्यक्रम में बोलता हूँ, एक है धर्म और दूसरी राजनीति। आज आदिवासी विभिन्न धर्म में बटा हुआ है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी, ईसाई में है, बुद्धिस्ट में है और जैन में भी है, और एकता परिषद के मार्फत से कहते हैं हम सब आदिवासी हैं और हमें एकता प्रस्थापित करनी चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आज की तारीख में आदिवासियों को आदिवासी बनाम आदिवासी करके लड़ाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक न्यूज चली थी, हिंदू आदिवासी और ईसाई आदिवासी में खूनी जंग हुई, क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? आज जैसे हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं बोल रहे हैं तो कम से कम हमारे आदिवासी में एकता प्रस्थापित हम लोग करवा रहे हैं, तो ये करना चाहिए। और दूसरी समस्या है राजनीति, तो आज हम लोग लाखों की संख्या में एकजुट होकर ये संदेश दे रहे हैं, तो जैसे ही चुनाव आते हैं हम लोग बिखर जाते हैं, ऐसा क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इस चैनल के मार्फत से मैं देश भर के आदिवासियों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर जिस प्रकार से हमने एकता बताई है, ऐसी एकता अगर हम लोग राजनीतिक रूप में दिखाएं, हम लोग ये कांग्रेस बीजेपी और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नॉन ट्राइबल पार्टियां हैं, उन पार्टियों में जाकर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें आने वाले समय में देश भर के आदिवासियों को जिस प्रकार से आदिवासी एकता मंच के नीचे आ रहे हैं परिषद के, उसी प्रकार से हमें देश भर के आदिवासियों को एक मंच के नीचे आना पड़ेगा, तो ही हमारी बात संसद में और राज्यों की विधानसभा में उठ पाएगी और तो ही हमारे आदिवासियों की पांचवी अनुसूची ग्राम सभा पेशा एक और जो कस्टमरी लॉ का कानून है वो कानून संपूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, हर साल दो दिन यहाँ जश्न मनाते हैं, नाचते गाते और जो भाषण करते हैं वो भूल जाते हैं, इसलिए एक रोड मैप बनाना होगा और हम लोग एक बिल प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का इलाका, गुजरात का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका और राजस्थान का इलाका मिला के हम केंद्र सरकार से भी डिमांड कर रहे हैं और इन चार राज्यों की सरकारों से भी डिमांड कर रहे हैं कि प्रदेश का निर्माण हो, तो कम से कम ये आदिवासी एकता परिषद का जो कार्यक्षेत्र है वो कार्यक्षेत्र ही पूरे बिल प्रदेश में है, इसलिए एकता परिषद के इस बैनर से भी हम लोग बिल प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं। आपने हमारी बात सुनी और जनता तक पहुंचाएंगे, आपका चैनल आगे बढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय आदिवासी।